मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि यदि पूर्व की सरकारों ने कांच उद्योग का साथ दिया होता तो ये उद्योग कहां से कहां होता। जनपद फिरोजाबाद की जब बात आती है तो दो बातें हम सबके सामने स्पष्ट दिखती हैं। एक, यहां के वे उद्यमी जिन्होंने अपने कौशल से जनपद फिरोजाबाद को दुनिया के सामने अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता के माध्यम से कांच उद्योग के रूप में दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर, और मैं इस अवसर पर जहां यहां के कांच उद्योग के साथ जुड़े हुए उद्यमियों जिन्होंने वर्षों से सैकड़ों वर्षों की अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए दुनिया के सामने अपनी विशिष्ट कौशल का परिचय देकर के फिरोजाबाद को एक नई पहचान दी, प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक विशिष्ट योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद जनपद के कांच के उद्योग को भी हम लोगों ने अपनी इस योजना के अंतर्गत लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके। आलू किसानों के आंसू पहुंचते हुए मुख्यमंत्री ने आलू किसानों के हित में एक बड़ी कार्य योजना का ऐलान किया। आलू उत्पादक किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यंत परेशान है। आगरा मंडल हो, अलीगढ़ मंडल हो, कानपुर मंडल का कुछ भाग है, उनके लिए कोई योजना नहीं बन पाई और व्यापक पैमाने पर आलू का उत्पादन क्षेत्र में होता है। पहली बार हमारी सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया और समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ हम लोगों ने इस वर्ष प्रदेश के अंदर आलू उत्पादक किसानों के दो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। तो साथ साथ प्रदेश में ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने आलू विकास बोर्ड का गठन करने के साथ साथ उन किसानों को पूरी तरह संरक्षण देने के लिए भी एक नई कार्य योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने गरीब 32 लाख लोगों को निशुल्क बिजली कनेक्शन देने की भी घोषणा की। इस जनपद के लिए स्वीकृत हुई है उनका शिलान्यास उनका लोकार्पण के साथ साथ कुछ नई योजनाएं फिरोजाबाद जनपद को जो दी जानी है उन सब के साथ साथ जो कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहे हैं जिसमें सौभाग्य योजना के अंतर्गत आप आश्चर्य करेंगे कि आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं। हमारी सरकार ने जब 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था हम लोगों ने उस समय जब कार्य प्रारंभ किया हमारे सामने चुनौतियां थी हमारे सामने कठिनाइयां थी लेकिन फिर भी एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 55,000 मजरों में विद्युतीकरण पहुंचाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद में ऐसे 1685 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य विद्युत विभाग ने हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पहुंचाने का कार्य किया। तो साथ ही साथ इस जनपद में जहां पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 32 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए वही आपके इस जनपद में भी 8,800 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी यहां पर संपन्न हुए।